कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा बाय बाय टू प्लस कॉस थीटा इनटू 3 प्लस कॉस थीटा डी थीटा 3 प्लस कॉस थीटा इनटू डी वो ऊपर में होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या लिखोगे कि कॉस थीटा को एक मिनट के लिए टी एज्यूम कर लो, तो टी बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। अब इसको अलग अलग कर लो तो ए बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा टी और प्लस बी बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यस और नो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर तब तो डी थीटा भी तो बदलेगा। नहीं अभी चेंज कहाँ कर, उसको जस्ट सेपरेट कर रहे हैं ना। अब देखो ना क्या करना है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, टी इज इक्वल टू -2 पुट करो, तो -2 पुट करोगे तो -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो -2 आ गया। बी का वैल्यू -3 पुट करना है तो -3 यहाँ पे और यहाँ पे -3 तो 3 आ जाएगा। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos theta डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos theta। ओके थोड़ा परेशानी होगा, 3 प्लस cos theta d theta। अब इसको लिख सकते हैं -2 1 बाय 2 प्लस cos theta क्या हो जाएगा d theta। हाँ बोलो, थीटा को चेंज करने के लिए इधर उधर कॉस इनवर्स टी करके करेंगे। नहीं चेंज क्यों, चेंज कहाँ पे कर रहे हैं बताओ ना, जस्ट उसी को अलग करके देखो ना, ऑब्जर्व करो क्या लिखे हैं, जो 1 बाई 3 प्लस कॉस थीटा कुछ चेंज नहीं किए हैं बदमाश, इसको जस्ट अलग अलग कर दिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिर्फ उसको क्या किए हैं सेपरेट कर दिए हैं। यस और नो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सर यहाँ तक तो बना लिए थे। अच्छा यहाँ तक बना लिए थे तो आगे भी बनना चाहिए था। अब क्या बोले थे, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करना है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan² θ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² θ/2। सिर्फ एक को प्रोसेस करके बता रहा हूँ, बाकी सब कर लेना, ठीक है। अब ये लिख सकते हो, अब ध्यान देना इस वाले को सिर्फ कर रहा हूँ, इतने पार्ट को माइनस टू बाद में रख लेना। अब क्या लिखेंगे, 1 बाई ध्यान दो 2 प्लस 1 माइनस tan² θ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² θ/2 डी थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 1 प्लस tan² θ/2 ये sec² θ/2 यस और नो। डिनोमिनेटर में जो होगा, क्योंकि 1 प्लस tan² θ को क्या लिखते हैं, यस सर समझे, तो 1 प्लस tan² θ/2 को sec² θ/2, ठीक है, तो वो 1 प्लस tan यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 tan² θ/2 प्लस 1 माइनस tan² θ/2 ये d थीटा, और ये बेसिकली क्या है 1 प्लस tan² θ/2। सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, sec² θ/2 इसलिए लिखे हैं वहां पे कि tan थीटा को t एज्यूम करोगे तो वो sec² θ/2 के फॉर्म में जाएगा जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो sec² θ/2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस tan² θ/2 यस और नो। सर अब सब्स्टिट्यूशन कर दे। हाँ नाउ लेट tan θ/2 इज इक्वल टू
जेड है ना, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू बाई वन बाई इंटू वन बाई टू डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड मीन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा इज इक्वल टू टू डी जेड. अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टू डी जेड डिवाइडेड बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, मेरे ख्याल से अब बन जाएगा है ना. इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू डी बाई जेड स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा, टू वन बाई ए है ना, तो रूट थ्री टैन इनवर्स जेड बाई क्या हो जाएगा रूट थ्री. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो जेड का वैल्यू, टू बाई रूट थ्री टैन इनवर्स जेड का वैल्यू क्या रखेंगे जी, टैन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट थ्री. यस और नो बन जाएगा, यस सर. सबको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो एंजॉय करो, क्या करोगे, बट बन जाएगा अब. यस और नो, हाँ और भी था. सुनिए ना, एक अगर अगर अभी आप हम लोग को बता देते हैं कि इरेशनल इरेशनल फंक्शंस होते हैं उसके इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू टी किए हैं तो इसके हाँ, बाद इसको डायरेक्टली थीटा को cos इनवर्स टी करके उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव निकाल के फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे तो उसमें भी उस तरह बन सकता है ना. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ट्राई कर लेना बाद में, ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा वो बनेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, मुश्किल हो जाएगा उधर से जाओगे तो. ठीक है, ट्राई करके देखना, अगर होता है तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है. चलो इसमें प्रॉब्लम नहीं रहा, ये समझ में आ गया ना, वन बाई वन स्टेप बता दिया हूँ. अच्छा ये बताए थे ना तुम लोग को कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टैन थीटा डी थीटा किस तरह से फाइंड किया जाता है. बताया हूँ? नहीं सर. नो सर. ओके अच्छा ये तो बता दिए थे ना, शायद प्रीवियस क्लास में भी कुछ इसका कॉन्सेप्ट दिए थे. वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर फोर इंटीग्रेशन डी एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वन प्लस एक्स टू द पावर फोर डी एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस टू ज्यादा सही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डी एक्स. ये बता दिया हूँ ना मेरे ख्याल से, ये तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया. ओके देन तुमको फाइंड आउट करना है. नाउ फाइंड, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ या प्रिमिटिव ऑफ स्क्वायर रूट टैन एक्स टैन थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट में एक में सेकंड में स्क्वायर रूट जब भी इसका रहे तो क्या करना है. सपोज इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, बस आइडिया दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट टैन थीटा रहे, कॉस में चेंज करेंगे क्या, क्या कॉस में करेंगे क्या, नहीं एक हो गया सेकंड स्क्वायर रूट कॉट थीटा डी थीटा. जब भी दोनों में से कोई एक रहे तो करना क्या है कि एक ही को सिलेक्ट करना है. सपोज टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो वन बाई टू कर दिए, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, क्या लिखेंगे रूट टैन थीटा प्लस स्क्वायर रूट टैन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉट थीटा है ना. तो अब क्या करना है, पेयर बना लेना है, स्क्वायर रूट टैन थीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉट थीटा
प्लस यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट टैन थीटा माइनस स्क्वायर रूट कॉस थीटा। और भी इसके डिफरेंट वे हैं, ऐसा नहीं कि इसी मेथड से बनेगा, उसके लिए भी बता दूंगा, और भी डिफरेंट तरीका है, सेकेंड मेथड भी बता दूंगा इसका। अब देखो इसके लिए क्या करना है, अब इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा डी थीटा ये स्क्वायर रूट में गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टैन थीटा माइनस स्क्वायर रूट कॉट थीटा डी थीटा। यस और नो है ना सर? यस और नो। ओके अब क्या करना है कि टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यस और नो, ये यूज करना है। तो देखो दिस इज इक्वल टू 1/2, ये फर्स्ट पार्ट इसको एज्यूम कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और इसको सेकेंड पार्ट, प्रोसेस दोनों का सेम है। चलो फर्स्ट पार्ट को लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा इसका लेंदी रहता है आंसर। अब देखो ध्यान देना, इसका तरीका पता होना चाहिए, रूट स्क्वायर रूट टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टैन थीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉट थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन थीटा। सर हाँ, आगे के प्रोसेस में एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके आगे नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके उसको अंदर के sin square 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो ये देखो अब इसको क्या करना है कि एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा और डिवाइडेड बाय इनसाइड में क्या आ जाएंगे, sin थीटा into cos थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, क्या किए हैं सॉरी मैनिपुलेशन किए हैं सिंपली, ये सुनो। अब मैनिपुलेशन करोगे इसके बाद थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, अब इसको लिखोगे ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा और ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरे ख्याल से ये बता चुके हैं, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। आप बताए थे कि न्यूमरेटर में ये वाले पार्ट है ना, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, बताओ डिफरेंशिएट तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, अगर इसको टी एज्यूम करेंगे तो देखो ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा, तो ये वाले टर्म जो आ रहा है वो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है, तो इट मींस क्या होगा कि हेलो सर हाँ, तो एज्यूम करने के लिए करना क्या है कि इसको इंटीग्रेट कर दो, न्यूमरेटर में जब ये रहेगा टर्म तो इसको इंटीग्रेट कर दो और उसको क्या करना है टी एज्यूम कर लो, है ना, इस तरह से इंटीग्रेट इट एंड एज्यूम टी, यही किया है ना, देखो यहाँ बेसिकली इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला आएगा, उसको टी एज्यूम कर लेना है, यहाँ दिखा रहे हैं कि सॉरी इसको इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको क्या करना है टी एज्यूम कर लेना है, टी एज्यूम करने के बाद देखो क्या करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके एक मिनट एक मिनट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टी, ओके अब इसको क्या करना है
स्क्वायर कर देना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां से देखो क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली, तो क्या करोगे इसको स्क्वायर, वन माइनस टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, वन माइनस टी स्क्वायर, सॉरी यस और नो, वन माइनस टी स्क्वायर ये इधर जाएगा और टी वाले टर्म इधर जाएंगे, ठीक है साइन टू थीटा। अब इसका वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा को टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा, ये डी टी के साथ चला जाएगा, डी टी अब आई स्क्वायर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और ये रूट टू रहेगा, अब हो जाएगा इंटीग्रेट, सब्स्टिट्यूट कर दिए है ना, इसको टी मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव तो ये आ गया है, इसी को डिफरेंशिएट करो साइन थीटा प्लस इतना लंबा चौड़ा कैसे सोचेंगे, cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, हाँ इतना सोचना कैसे है, वो इसमें सोचना कहाँ है, देखो एडजस्ट करना है, वो सोचना है, वो याद रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं सोचोगे तो देखो सिंपली तरीके से बता देता हूँ, ये एक प्रोसेस हुआ इस तरह से, सेकंड प्रोसेस देखो कैसे कर सकते हो, ये इजी रहेगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, टैन थीटा डी थीटा, देखो यहां तक डायरेक्टली अगर दिया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरली न्यूमरेटर को फ्री किया जाता है स्क्वायर रूट से, तो क्या करोगे, ये तो स्क्वायर रूट साइन थीटा हो गया, अब बटे कॉस थीटा, आप फ्री करना चाहते हो तो क्या करोगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे और साइन थीटा से क्या करना है, डिवाइड करोगे, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो सर चलो इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन टू थीटा डी थीटा। अब इसके बाद बताए थे कि इस तरह के साइन टू थीटा जब भी रहे, बताए थे अगर याद करोगे तो, जब न्यूमरेटर टू मल्टीप्लाई नहीं की, यहाँ पे टू क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा साइन थीटा कॉस रूट टू आ जाएगा, यस ना, टू से डिवाइड करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा जाएगा टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी बताए थे कि साइन थीटा साइन टू थीटा जब डिनोमिनेटर में हो तो यहाँ पे साइन थीटा ओनली आ रहा है ना, तो इस तरह से जूम करना है कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों टर्म आना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरह के टर्म होना चाहिए, तो वो तुमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि कॉस थीटा ऐड करना पड़ेगा, कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से क्या करोगे, वहीं पे आ जाओगे रूट टू अपाई टू, इसको लिख लोगे टू साइन थीटा अपाई क्या हो जाएगा साइन टू थीटा ये डी थीटा, अब इसी को लिखोगे वन बाई रूट टू हो जाएगा, अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन टू थीटा, ये तो सोचना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब समझ में आया, क्योंकि साइन टू थीटा जब भी आएगा, साइन टू थीटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सॉरी जब भी आएगा तो ये न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों में से रहेगा तो काम चलेगा, हो सकता है कि कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा रहे, यस और नो, हेलो सर, थ्री आएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, अब ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे पहले, बोलो नहीं, नो सर नहीं किए थे, बताए हैं देख लेना नोटबुक, बहुत सारे को तो समझ में नहीं सर, नहीं, अच्छा नहीं किए थे, तो ये ध्यान में रखना, एक बार चेक करना कि जब भी
न्यूमरेटर में क्या है, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म है, तो साइन टू थीटा हम लोग फॉर्म किए, तो इन न्यूमरेटर मस्ट बी द टर्म साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस में और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देना, अगर इस तरह से ये टर्म होना चाहिए, अब एज्यूमिंग टी, एज्यूमिंग द टर्म फॉर सब्स्टिट्यूशन देन इंटीग्रेट द न्यूमरेटर टर्म एंड लेट टी और जेड, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ तो इतना ये करना है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में यही है कि याद रहेगा तो चीजें बन जाएंगी, प्रैक्टिस में रहेगा तो बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा सेम टाइप का क्वेश्चंस बनेंगे, इवन किसी भी सब्जेक्ट में। सर, हाँ सर, इस क्वेश्चन इस स्टेप के बाद क्या किए आप सर, ऊपर वाला? हाँ हाँ ठीक है सर, और ऊपर फर्स्ट वाले ये ना यहाँ पे, हाँ ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके बाद क्या? अच्छा ठीक है, पूरे लिख के बता देता हूँ, ट्राई करना समझने का, मुझे तो नहीं लग रहा है बहुत लोग को समझ में आ रहा होगा, फिर भी बताना है, कुछ चीजें टफ होता है। चलो अभी जो बताए थे उसके अनुसार अब क्या बोले हैं कि इंटीग्रेट इट एंड एज्यूम टी, तो साइन साइन थीटा, हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यस और नो? यस सर। ओके देन इसको क्या बोले थे कि टी एज्यूम कर लेना है, इसीलिए कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो यही वैल्यू आना चाहिए, है ना? अब देखो टी एज्यूम किए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, अब ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर में जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, उसका क्या होगा, काम हो गया, वो अब ट्रेवल नहीं करने जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब साइन टू थीटा को क्या करना है, इलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ टी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले को स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यस और नो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा, साइन टू थीटा, ये टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाँ साइन टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, सॉरी वन माइनस टी स्क्वायर, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब समझ में आ गया, इसी तरह से करना है। ओके देन आज कुछ ज्यादा नहीं
बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, दे देता हूँ क्वेश्चंस, बना करके बताओ क्या होगा। ओके इंटीग्रेट करो तो सेम प्रोसेस पे, अभी जो बताया हूं उसी पे दे रहा हूं, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डीएक्स। ट्राई करो इसको फाइंड आउट करने का, अभी जो बताया हूं उसी पे आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो ये भी पूछा हुआ प्रॉब्लम है, दे रहा हूँ इंटीग्रेशन डी एक्स वाई वन माइनस cot x, ठीक है। क्वेश्चन तरीका बता दूंगा अगर नहीं बनेगा तो, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वन माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई वन प्लस स्क्वायर रूट x dx। क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये माइनस कर लो, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स, अच्छा ये तो तुम लोग को पता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। e to the power log x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सारा का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इतना बनाओ। फर्स्ट बना जी, किस तरह से बनेगा? हेलो, बहुत लोग आ गया इसमें, ट्राई करो जिसको पता होगा उसी से बनेगा। फर्स्ट नंबर वो अभी डिस्कस किए थे, बन जाएगा ये सुनो, फर्स्ट में क्या करना है सर? इसको सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में ब्रेक कर दिए। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर सर, फिर फर्दर मैनिपुलेशन के बाद हाफ मतलब राइट में जो कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स को वही डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू करके फिर कॉस एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करना होगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसको फिर फर्दर उसको फर्स्ट वाले टर्म के साथ मर्ज कर दिए। Exactly. इसमें जो है इस वाले टर्म को मींस क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब इसमें इसको लिखना है वन बाई टू
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही ना जी। और ये टर्म कुछ साथ में चला जाएगा और ये अलग रह जाएगा। यस सर। इट मींस फाइनली जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ध्यान देना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स अब प्लस यहां से जो आएगा वन बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स प्लस ये वन बाई टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स। अब क्या करना है कि देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा थ्री बाई टू टर्म, थ्री बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स। अब इसके बाद करना क्या है बताओ, बोले थे कि टी एज्यूम करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट एंड लेट टी, यहाँ पे भी ये सेकेंड पार्ट हो गया, इंटीग्रेट करेंगे एंड लेट जेड ठीक है समझ में आ गया। तो फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे टी इसमें, और इसमें एज्यूम करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। अब बन जाएगा ये सुनो, उसके बाद प्रोसेस कर लेना है ना। ये बताओ सेकेंड वाला बनेगा, मांगे तो इरेशनल वाला मेरा नाम लिए सर, उस समय रिप्लाई नहीं कर सकते। नहीं ना समझ में आ रहा है बिल्कुल, बन जाएगा सेकंड वाला। नहीं सर पिछला वाला क्लास हम नहीं देखे हैं पूरा। अच्छा ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास में इरेशनल वाले यही इंटीग्रेशन क्या करेंगे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ाऊंगा ठीक है, तो इसमें कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, बहुत ज्यादा हो गया। सेट्स एंड रिलेशंस क्या होगा कि एक दो बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, अदर वन क्या हो रहा है कि बस दर्शक बना हुआ है। सेट्स एंड रिलेशंस नेक्स्ट क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहेगा, इसके बाद ये क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ऐसे भी हेडक है बहुत मुश्किल से ये क्लास लिया हूँ। फिर सेकंड वाला बन गया, बन गया क्या करना है सेकंड में आंसर बोले कि स्टेप बाय स्टेप। हाँ स्टेप बोलो so that कि लोग भी सुने। हाँ यस सर, फिर सबसे पहला स्टेप है कि cot x है ना उसको cos x by sin x में कन्वर्ट करना है dx, तो 1 माइनस cot x था, क्या करना है इसमें इसको cos x by sin x में कन्वर्ट कर देना है, फिर इस पर LCM ले लेना है और sin x को ऊपर भेज देना है, तो sin x डिवाइड बाय क्या आएगा ओके okay, फिर उसके बाद sin x को 2 से मल्टीप्लाई करके sin x + cos x एग्जैक्टली मैं हां मैनिपुलेशन कर देना है। हां समझ गया, इसके बाद क्या लिखना है कि 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 sin x / cos x - sin x है ना,
अब इसके बाद क्या करना है? तो sin x plus cos x और plus sin x minus cos x में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x, है ना? सर प्लस sin x माइनस sin x माइनस cos x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, इसके वन बन जाएगा। और इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक साइड में माइनस वन बन जाएगा और एक साइड में उसको माइनस वन को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रहेगा cos x बाय cos x माइनस sin x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस sin x माइनस cos x cos x माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा इसको अगर t एज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव कौन सा है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है माइनस टाइम में दिया हुआ है ना, यही ना cos x का, तो यहाँ से बन जाएगा। चलो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दिया हुआ जेई में, लेकिन पहले पूछा गया है। इसको कैसे बनाओगे, एक मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक है, टाइम दे रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा लीव कर सकते हो, बट नेक्स्ट क्लास में आना ही आना है, अदरवाइज क्या होगा उसके बाद वाले क्लासेस में फिर फर्क दिखने लगेगा, समझ में नहीं आएगा। इसको स्क्वायर रूट एक्स को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरह से सोचो, फ्री करना है बेसिकली। कैसे फ्री करोगे वो सोच लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो बना लेना। रूट एक्स को क्या एज्यूम करोगे बताओ, रूट एक्स कॉस थीटा क्या रूट एक्स को एज्यूम करने, तो शायद कॉस थीटा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड करो, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा, उससे स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा। बन जा रहा है देखो, क्या करना है स्क्वायर रूट एक्स को, सर इसको तो कॉस थीटा अज्यूम किए, कॉस थीटा ओके, स्क्वायर रूट को फ्री करना है ना, तो देखो उसमें क्या करना, कॉस थीटा में प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्री हो गया ओके। स्क्वायर रूट एक्स को क्या करना है, कॉस थीटा एज्यूम करना है, ठीक है, बन जाएगा। या एक्स इज इक्वल टू इसी को बोल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा एज्यूम करना है। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, यही था ना जी डीएक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा बेसिकली एक ही में स्क्वायर रूट था, यही बड़ा करके दिया हुआ था, दोनों में एक ही साइड एक ही बात दिया हुआ था। अब क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है अभी डी थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, यहां से डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, माइनस सर डी एक्स का वैल्यू माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स डी थीटा, यानी माइनस साइन टू थीटा डी थीटा, हाँ तो माइनस उसको चेंज कर देंगे, अभी लिख देते हैं माइनस साइन टू,
थीटा डी थीटा, ठीक है, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अब दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखेंगे ना टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है ना, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये स्क्वायर रूट में माइनस साइन टू थीटा डी थीटा। अब इसको फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ पे इसको अब चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज करोगे बताओ, माइनस टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अब क्या लिख सकते हैं टू टू इंटू टू फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा टू टाइम्स में, यस और नो, यहां से क्या करोगे मल्टीप्लाई करके फिर फाइंड कर लेना, बन जाएगा ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब इसको फाइंड करने के लिए ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है, इसको ट्राई करना, बन जाएगा, बन जाएगा ये, हाँ बहुत सिंपल है, e टू द पावर log x प्लस साइन x इन टू cos x dx, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, मीन्स दिया हुआ है x प्लस साइन x इन टू cos x, तो एक में इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स लगेंगे और एक में डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू, उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन लिखिए बताओ, इंटीग्रल साइन ऑफ 101 एक्स टाइम साइन टू द पावर 99 एक्स 100 1 x x I'm sin to the power 99 x dx, acha into sin to the power 99 x dx 99 x acha is tarah se dx, yes sir, okay, acha isko integrate karna hai, bas itna hi hai, yes sir, yeah 101 x into sin to the power 99x, पक्का ना, यही क्वेश्चन है ना, yes, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है ध्यान दो, sin 101x इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स यूज किया था, इंटीग्रेशन इसको अगर रिड्यूस करोगे साइन 101x देन साइन x इनटू साइन 98x dx है ना, तो साइन c टू साइन ए टू साइन बी, इसमें यूज करो तो क्या जा रहा है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, तो टू से डिवाइड करना पड़ेगा, टू से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो टू से मल्टीप्लाई करोगे सी प्लस डी बाई टू, ओके, फिर 99। चलो देखते हैं, अदरवाइज यहां से आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा 1, तो 51 होगा ना, माइनस माइनस कॉस डी माइनस सी बाई टू, तो वही आ गया कितना 100 बाई तो 50 एक्स ठीक है बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा 51 के साथ एक्स नहीं लिख, 51x by यहाँ sin ये 98x, अगर एक sin इधर भेजोगे तो 51 है, तो 50 के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन by पॉसिबल साइन 99 साइन 100 प्लस 1x, अच्छा 1x ब्रेक करोगे तो 100 में जाएगा, ठीक है। into sin 99x dx, अगर इसको ब्रेक करोगे तो sin और cos sin x को t पे जूम करोगे। सर हाँ, नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही है, सेम है क्या? यस सर, बनेगा तो यूज करके इंटीग्रेशन वाई पार्ट से ही, इंटीग्रेशन वाई पार्ट से यूज होंगे, बट इसमें फिक्स करने के लिए 99x, ओके, डिफरेंशिएट करो। इसमें डिसिमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है ना? यस सर, वही तो बोले बाय पार्ट्स क्यों यूज करेंगे, दोनों डिसिमेट्रिक तो नहीं है? नहीं, डिसिमेट्रिक मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट बार, या तो रिपीटेशंस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, वन बाई वन। इसमें ब्रेक कर रहे हो तो कुछ खासा रिजल्ट नहीं आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स, अच्छा साइन टू द पावर 100, नहीं कुछ प्रॉब्लम एक बार देख लेना एग्जैक्टली सेम है क्या, अगर फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किए ठीक है, देखता हूँ साइन 100 1x साइन टू द पावर 99x dx, चलो ये आई हो गया है ना। अब इसको क्या करोगे कि आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट, अब इसको क्या करना है बाहर करो, ठीक है, फर्स्ट वाले को, इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर नहीं सकते हो तो इसको बाहर लिख सकते हो, तो साइन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिखते थे ना, ये याद है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फंक्शन 1 और 2 होता था, तो याद है डीएक्स, तो 2 को बाहर करेंगे तो साइन 99 टू द पावर एक्स, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या लिखेंगे इसको, 101 x माइनस x dx है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin 99x / dx,
देन इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा साइन डीएक्स 101 एक्स डीएक्स है ना, यही हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन सॉरी साइन 99 ट्राई करो ना इसी में आ जाएगा 99 एक्स। अब इस वाले को क्या हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ माइनस कॉस 101 एक्स बाई क्या हो जाएगा 101 और यहां ध्यान देना माइनस यहां आ जाएगा 99 साइन एक्स साइन एक साइन टू द पावर 98 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स और इस वाले पार्ट से आ जाएगा माइनस कॉस 101 एक्स वाई 101 ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे कॉस का यहाँ पे कॉस आया ओके देन ये वाले पार्ट तो हो गया। अब इस वाले पार्ट में साइन टू द पावर 99 है हाँ तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या करोगे 99 बाई क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 100 यस और नो आ रही बात समझ में। सिर्फ इस वाले स्टेप को कर रहा हूँ इसको सिंपलीफाई करोगे तो है ना 99 बाई 100। अब यहाँ पे आ गया क्या लिख सकते हो साइन 98 और ये हो जाएगा क्या कॉस 101x इंटू कॉस x ठीक है। इसमें क्या करना फॉर्मूला अगर यूज करते हो 2 cos a इंटू कॉस बी का 98x हाँ अब इसमें फॉर्मूला अगर यूज करते हो इस वाले पार्ट के लिए अच्छा अगर ये साथ में रखते हो फिर से वही आ जाएगा। अच्छा ये दोनों को साथ में रखते हो तो क्या आएगा बताओ 2 cos a into cos b 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 cos a into cos b बराबर cos a plus b हेलो 100 क्या हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 100x है ना। अब इसके बाद क्या करना cos a plus b ओके दो में ब्रेक होगा तो सॉरी ज्यादा लेंदी नहीं चला जाएगा नहीं तो ये लेंदी तो थोड़ा होगा ही इसका इतना आसान नहीं इस तरह शायद 100 स्टेप्स नहीं हो जाएंगे आगे 100 टाइम्स बाय पार्ट्स नहीं एक्चुअली क्या होगा इसमें जो हाँ इसमें जो दिख रहा है ना कि जैसे ये वाला जो ओरिजिनली ये टर्म लिए हैं वो इधर तुमको आ जाएगा और उसको क्या करना है लेफ्ट साइड ले करके जो आएंगे कांस्टेंट उसे डिवाइड कर दोगे फिर पावर तो रिड्यूस होते जाएगा साइन का पावर रिड्यूस हो जाएगा तो सबट्रैक्शन का चांस बनता है पावर रिड्यूस यहां 98 है ना 97 हो जाएगा तो नहीं 97 नहीं होगा मेरे ख्याल से इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां तो दो के साथ जाएगा साइन 98 और इसके साथ यहां से कुछ आ सकता है ठीक है या तो वो एक रिड्यूस होते चला जाएगा और नहीं तो रिड्यूस होते नहीं जाएगा उसका के क्वेश्चन नहीं होंगे यहां से ही तुमको साइन के टर्म आ जाएगा साइन में मल्टीप्लाई होकर के लेफ्ट साइड लाओगे तो वो तो जाना चाहिए ओके इसी के बाद स्टेप करके देखो ना क्या आ रहा है टर्म करके देखे थे मतलब कल रात में ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे थे बहुत देर तक किए बाय पार्ट्स नहीं बना तब 100 को ब्रेक किए 100 और 101 में 101 में तो वहां से तो आ जाना चाहिए तो
यही दो, या तो इसी को ब्रेक करो साइन। अरे हमको यहाँ से केवल दो ही स्कोप दिख रहा था, दो तरीके से साइन हंड्रेड एक्स प्लस एक्स में, राइट? यस सर। और ये साइन 99 टू द पावर एक्स, इसी दोनों स्टेप से, हाँ इसी से तो बनना ही चाहिए। बट अच्छा ब्रेक किया तो क्या आया था? साइन रफ में बना रहे थे, कॉपी कहाँ रखे, फिर से बना के बता। 100 एक्स देख लेना, यही दो मेथड से बनेगा, तीसरा नहीं जाएगा कोई। यहाँ पे हो जाएगा साइन 100 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 100 इंटू साइन एक्स, ओके। अच्छा हाँ यहाँ से तो आ जाएगा, चलो इंटू साइन टू द पावर क्या हो जाएगा 99, यही यूज करना, ये वाले स्टेप से आ जाएंगे 99 एक्स। अब यहाँ से देखो आई इज इक्वल टू, अब देखो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 100 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 99 एक्स अब प्लस ये डी एक्स, दो में ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 100 इंटू साइन टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना, इस वाले पार्ट में हाँ ये दोनों को साथ में रखना, मीन्स साइन साइन टी को, हाँ बोलो सर। हमको इसमें एक चीज नोटिस किए थे कि साइन 100 एक्स का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड वाले इंटीग्रल में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें केवल कमी है 100 का। अरे तो देखो ये 100 है ना, तो साइन क्या करना है, साइन टी को यहाँ पे क्या करोगे जेड एज्यूम कर लोगे, ठीक है। मतलब इस तरह से सोचना है दिमाग में, और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ब्रेक करो। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अगर ब्रेक करोगे तो ये देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे, साइन ये क्या हो जाएगा 100 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर क्या हो जाएगा साइन टू द पावर, यहाँ पेन में दिक्कत हो रहा है, साइन टी को जेड क्यों एज्यूम किया है? इसलिए कि देखो ये दोनों साथ में रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या है, तो कहीं नहीं है। अच्छा साइन एक्स है ना, अच्छा साइन टू द पावर क्या है 99 एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, माइनस ये वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, माइनस अब क्या लिखोगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी साइन 100 एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर 99 एक्स, यस और नो डी एक्स द होल डी एक्स। अब देखो अब इसमें क्या लिखोगे, अब यहां पे क्या करना कि इस वाले पार्ट में क्या आएगा, ये हो गया क्या साइन 100 एक्स, जब साइन टू द पावर एक्स को साइन एक्स को जब जेड मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यस और नो, इट मीन्स ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा डी टी में चला जाएगा, तो डी टी में चला जाएगा तो साइन टू द पावर 99 इट मीन्स क्या हो जाएगा जेड टू द पावर 99, यस और नो, यस सर, तो जेड टू द पावर 99 उसका इंटीग्रेशन करोगे तो जेड टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हो क्या साइन टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, यहां साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो साइन टू द साइन 100 एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस 100 एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100
यस और नो, डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, यस और नो? देखो साइन टू द पावर, साइन हंड्रेड एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस हंड्रेड एक्स इंटू हंड्रेड होगा, कॉस हंड्रेड एक्स इंटू हंड्रेड होगा, ये सुनो, इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर, अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो हंड्रेड एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हंड्रेड है ना, और ये dx. अब देखो हंड्रेड और हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, और ये cos 100x into sin to the power 100x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, तो ये दिख रहा था कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था स्टेप कि कहीं जा नहीं सकते हो, हाँ सर, अच्छा, यहाँ पर ब्रेक कर रहे, यहाँ पर अच्छा, यहाँ गलत किया था ना, नहीं नहीं ब्रेक किए थे, वही दिक्कत, उसको ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत कैसे पता चल गया कि कटने वाला है? नहीं वो दिख रहा था ना स्टेप, यहाँ पे जब देखते साथ में रखता, कहाँ ये वाले स्टेप से दिख रहा था, ये वाले स्टेप से कि ये दोनों को साथ में रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 100 पावर जा रहा है, इट मींस साइन एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो वो 100 में चला जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो इसको साथ में रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे टी को, तो टी टू तो पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इट मींस साइन टू द पावर 100 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखो, और इसको पहले रख रहे थे, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप में तो पॉजिटिव आ रहा है, सेकेंड स्टेप में निगेटिव आ रहा है, और ये जो है टर्म वो पॉजिटिव के साथ है, इट मीन्स लग रहा है कि वो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ध्यान दो यहाँ निगेटिव में आ रहा है। हेलो, यस सर, ठीक है, टफ था क्वेश्चन, कोई नहीं, अभी तुम लोग के स्टैंडर्ड का नहीं है, समझ में आया कुछ कुछ? यस सर आया। ओके, सब किसी को, बहुत लोग को तो दिख नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है, कोई नहीं, ट्राई कर लेना, एक फ्रेश में इसको बना लेना, है ना? ओके सर, फ्रेश में बना लेना, फाइनली इसको क्या करना, अलग ही कर लेना, ये वाले को यहाँ पे 100 प्लस 1 इंटू एक्स, तो इसको ब्रेक कर लेना, ठीक है, साइन ए प्लस बी में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। बोलो सर, सर 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो x को tan x मानना होगा, tan थीटा मानना होगा, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x को tan थीटा मानेंगे, हाँ, x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब x को क्या करना है, tan थीटा, क्योंकि इसका देखोगे डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, 1y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1 से 1 के बीच में इसका डोमेन जा रहा है, x का वैल्यू, तो साइन x एज्यूम कर लेना है, ठीक है, साइन थीटा, सॉरी x तो दिया हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर, तो x इक्वल टू साइन थीटा, ये बताए थे इसका कैसे वो रिजल्ट आता है, वो सर रिजल्ट स्पेसिफिकली फार्मूला नहीं लिखाए थे, अच्छा फार्मूला नहीं लिखवाया हूं, वो याद रखना है, बोले थे कि ये सब रिजल्ट के बाद बोलते थे कि वो याद रखना है, ठीक है, चलो सर, हाँ बोलो सर, खाली आज, हाँ सर सब कुछ आ गया, इस वाले में समझ में आया ना, यहाँ हाँ ये जो क्वेश्चन था, हाँ ये भी आ गया, ओके चलो, हाँ, सर सुनिए ना, खाली इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ सर भेज दीजिएगा, अच्छा ठीक है, इस लास्ट वाले का भी भेज दूंगा, ठीक है, हाँ सर कुछ कुछ नोट नहीं कर पाए, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके चलो रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।